मिलन का ये कार्यक्रम है, कितनी खुशी है? होली मिलन का जबरदस्त कार्यक्रम हो रहा है। आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ जुटे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और बहुत उत्साह है चुनाव की जीत का और होली का भी। तो चुनाव का जीत है, ये कोई पॉलिटिकल रंग भी है सर? देखिए, पॉलिटिकल रंग पॉलिटिकल कार्यकर्ता के जीवन में हमेशा रहता है, तो आज होली का भी रंग है और चुनाव की जीत का भी रंग। सर, इस कार्यक्रम से आगे के कुछ संकेत मिल रहे हैं सर, आपकी राजनीति में एंट्री होने जा रही है? देखिए, इसको राजनीतिक मत बनाइए, ये होली मिलन का कार्यक्रम। पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा के यहाँ पे आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंत्री नितिन नवीन है, खुद आर के सिन्हा जी है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक मिनट बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मंत्री नितिन नवीन है, उनसे पूरा न मानो नीतीश जी। होली मिलन समारोह है, कितनी खुशी है सर? देखिए, पूरे बिहार में और देश में फगुआ का रंग चढ़ रहा है और भांग के रंग ने उसको एक नया रूप दिया है। पूरे देश में भगवा का रंग से कहीं ना कहीं तमाम लोग आज खुश हैं और कहीं ना कहीं होली के त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तमाम बिहारवासियों और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। यानी जीत की खुश भी है? पूरी जीत की है और जीत को भगवा के रंग ने दुगुना कर दिया है। और भी हमारे साथ है सर नीतीश मिश्रा जी है। सर, एक सवाल है, होली मिलन समारोह है, क्या ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेकर के भी इसको देखा जा सकता है? नहीं नहीं, देखिए, ये आर के सिन्हा जी और ऋतुराज जी के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये होता है और इस बार का उल्लास जरूर ज्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में और अन्य 3 राज्यों में बहुत बड़ी जीत हुई है, तो वो कार्यकर्ताओं का साथियों का उत्साह को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हमारे साथ संजय मयूख जी है। मयूख जी, कितनी खुशी है इस वक्त होली मिलन समारोह है? भाजपा में खुशी ही खुशी की लहर है? भाजपा में देश में खुशी की लहर है क्योंकि होली हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और विकास की जीत हुई है, इसलिए निश्चित तौर पे हम सब हर्षोल्लास में है। राज सिन्हा जी को आप आशीर्वाद देंगे? निश्चित तौर पे जो नहीं, होली के दिन तो निश्चित तौर पे आशीर्वाद। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और तमाम विधायक बनते और इस पर देख सकते हैं किस तरह से पूरी यहाँ पर खुशी हुई है। आपको कितनी भीड़ है यहाँ पर? यहाँ पर कई सारे जो मंत्री हैं और यहाँ पर फिल्मी सितारे जो आ रहे हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से क्राउड का भीड़ है। पवन सिंह जो भोजपुरी के सुपरस्टार है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इसको पॉलिटिकल से जोड़ा जा रहा है। ऋतुराज सिंह आने वाले वक्त में पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। फिलहाल आप बने हमारे साथ इस खबर में।